हमारे YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेप पीड़िता के अधिकार के बारे में। कुछ अधिकार ऐसे कानून के द्वारा दिए गए हैं जो कि हर किसी को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला अधिकार एक रेप पीड़िता को ये दिया गया है कि अगर एक लंबे अंतराल के बाद वो जाती है जाके थाने में FIR दर्ज कराती है तो कोई भी पुलिस अधिकारी, कोई भी पुलिस वाला इस आधार पर FIR दर्ज करने से मना नहीं कर सकता कि एक ऐसी जघन्य घटना को हुए, एक लंबा अंतराल हो गया है, उसके बाद वो FIR दर्ज कराने आई है। इसका मतलब है कि अगर किसी लड़की को, उसके साथ अगर इस तरह का कोई अपराध होता है, उसे 20 दिन बाद, एक महीने बाद भी ये लगता है कि उसे कार्यवाही करनी चाहिए, तो वो थाने में जा करके FIR दर्ज करा सकती है और ऐसी FIR को दर्ज करने के लिए कोई भी पुलिस वाला मना नहीं कर सकता। दूसरा अधिकार ये दिया गया है कि ऐसे मामलों में 0 FIR दर्ज करने से कोई पुलिस वाला मना नहीं करेगा। मतलब जिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत ऐसी घटना घटी है, अगर कोई लड़की उस थाने में जा करके किसी भी वजह से FIR दर्ज कराने में असमर्थ है या वो नहीं चाहती उस थाने में FIR दर्ज कराना, तो वो किसी दूसरे थाने में जा करके 0 FIR के माध्यम से अपनी बात को दर्ज करा सकती है। तीसरा अधिकार ये दिया गया है कि अगर वो समर्थ नहीं है फिजिकली वहाँ थाने में प्रेजेंस होने में, वहाँ तक जाने में समर्थ नहीं है, तो वो अपने FIR को ईमेल के माध्यम से या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से पुलिस आयुक्त को भेज सकती है और इसके माध्यम से अपनी FIR को वो दर्ज करा सकती है। चौथा अधिकार ये दिया गया है कि कोई भी रेप पीड़िता इस बात की मांग कर सकती है कि वो CRPC के सेक्शन 164 के अंतर्गत अपने बयान को मजिस्ट्रेट के सामने ही दर्ज कराएगी। या एक अधिकार और है कि इस तरह के बयान जो भी दर्ज होते हैं वो ऐसे जगह पर दर्ज होते हैं जहां पर कोई भी चौथा व्यक्ति उसकी बात को न सुन सके, क्योंकि इस अधिकार को दिए जाने के पीछे एक मकसद ये है कि उस महिला क्या की गरिमा बनी रहे और वो मेंटली जो उसके ऊपर स्ट्रेस है वो उससे दूर हो करके अपने बयान को दर्ज करा सके। रेप के केसेस में जो सबसे बड़ा सबूत होता है वो होता है मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर मेडिकल सर्टिफिकेट में इस बात की पुष्टि हो जाती है कि महिला के साथ बलात्कार हुआ था तो ये एक बहुत बड़ा सबूत माना जाता है ऐसे अपराधों की पे कार्यवाही करने के लिए। एक अधिकार और ऐसे महिलाओं को, ऐसी लड़कियों को दिया गया है कि अगर उनके साथ इस तरह की घटना घटती है तो वो अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा का उनको अधिकार है, सेल्फ डिफेंस की अधिकार उनको दिया गया है। अगर कोई भी इस तरह का जघन्य कृत्य उनके साथ करने की कोशिश कर रहा है तो ऐसी महिला को ये अधिकार दिया गया है कि वो उसकी मौत, उसकी मृत्यु तक कारित कर सकती हैं। मतलब कि ऐसे मामलों में अगर कोई महिला किसी पुरुष की मृत्यु भी कारित कर देती है तो वो उसकी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत माना जाएगा। ये सारे अधिकार रेप पीड़िता को दिए गए हैं। कभी भी अगर किसी महिला के साथ इस तरह का कोई भी जघन्य कृत्य होता है तो उसे जरूर इसके बारे में आवाज उठानी चाहिए। भले ही वो तुरंत आवाज उठाने में, तुरंत कार्यवाही करने में अब खुद को सक्षम ना पा रही हो, पर कुछ समय बाद जब उसकी मेंटली जो पोजीशन है वो जब कुछ थोड़ी सही हो जाती है तो उसे जरूर आवाज उठानी चाहिए, उसे जरूर इस बारे में कार्यवाही करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस तरह के अपराध को किसी भी महिला की मौलिक अधिकारों का हनन माना गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने एक फैसले में कहा गया है कि अगर किसी भी महिला के साथ ऐसा जघन्य कृत्य होता है तो वो उसके मौलिक अधिकारों का हनन है, इस वजह से कार्यवाही की जानी जरूरी है। और अगर कभी भी किसी के साथ भी ऐसा हो तो जरूर आप आवाज उठाइए। और हर लड़की को ये बात तो पहले ध्यान रखनी चाहिए कि आज के समय में ऐसा
आज का समय नहीं है कि अगर कोई आपको गंदी नजर से देख रहा है तो आप अपनी नजर को नीचे कर लीजिए, बिल्कुल भी मत करिए। अगर वो आपको देख रहा है तो आप उसे इस तरह से घूरिए कि सामने वाले को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो खुद अपनी नजरों को नीचे कर ले। आप इस काबिल बनिए कि आप खुद को समर्थ बना सकिए अपनी रक्षा करने के लिए। मैं अपने ऐसे सारे वीडियोस में पुष्यमित्र उपाध्याय की एक कविता को जरूर पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि वो कविता आज के समय में महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। कब तक आस लगाओगे तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। तुम्ही कहो ये अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। हर लड़की को इस कविता को जरूर एक बार सुनना चाहिए और सुन करके इसको अपने अंदर उतार लेना चाहिए कि तुम कब तक दूसरों से अपने लिए रक्षा मांगती रहोगी। तुम्हें खुद अब इस काबिल बनना है कि तुम अपनी रक्षा खुद कर सको। आज के लिए बस इतना ही। और इस वीडियो को अगर आपको लगता हो कि इस वीडियो को हर लड़की तक पहुंचना चाहिए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। अब हम आते हैं हमारे आज के क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी की जयंती कब मनाई जाती है? बिना गूगल किए आराम से बता सकते हैं, इसका आंसर दे दीजिएगा। और प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन पूछे थे उसके जवाब के लिए कमेंट जो आया था उसमें से एक कमेंट को मैं पिन कर दूंगी अपने प्रीवियस वीडियो में, तो आप उसके जो भी जो उसका आंसर होगा आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। और अगर किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। धन्यवाद।